हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये एक्टिवा 6G से रिलेटेड है। और ये जो आप मेरे मीटर में देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा आपको। आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। ये मैंने जो एक्चुअली यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर मैंने लेमिनेट करवाया था इसको, मीटर को। और वो जो लेमिनेशन की जो लेमिनेशन था, उसने अपना गम यहाँ पर ये छोड़ा है जब मैंने इसको हटाया है स्ट्रैप को। ओके, तो एक्चुअली मैं आज सर्विस कराने गया था इसकी। तो वहाँ जो सर्विस सेंटर पर जो वर्कर था, उसने मुझे बताया कि ये जो आपने यहाँ पर लेमिनेशन करवा रखा है, इससे आपका क्या होगा, ये जो ग्लास है मीटर कंसोल का, ये जो ऊपर वाला ग्लास है, ये येलो कलर का हो जाएगा। मतलब ये काफ़ी गंदा हो जाएगा, और ये जो गम है इसका, ये इसको स्पॉइल कर सकता है, यानी कि इसको मतलब गंदा कर सकता है। ये आपने गंदा या फिर स्क्रैच होने से के लिए ही, कि स्क्रैच ना लगे या फिर गंदा ना हो, उसके लिए आपने ये लेमिनेट करवाया अगर है, तो प्लीज़ इसको हटा दीजिए। और अगर ये ऐसे स्पॉट्स छोड़ रहा है, तो इसको विद द हेल्प ऑफ सैनिटाइज़र या फिर पेट्रोल से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। मैंने ये आधा क्लीन कर दिया है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपने लेमिनेट करवा रखा है अपना मीटर कंसोल, तो प्लीज़ उसको हटा दीजिए। या बहुत ही अगर अच्छी क्वालिटी का लेमिनेशन करवा रखा है, तो बात अलग की है, तो उसको भी आप 2 महीने के अंदर चेंज करवाते रहें रेगुलरली। ओके, 2 महीने से ज़्यादा कोई भी लेमिनेशन ना रखें, और ना करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्क्रैच रजिस्टर्ड यहाँ पर हाथ लगने का कोई वो ही नहीं है। यहाँ पर कोई अगर बच्चा स्क्रैच मारता है तभी पड़ेगा, वैसे कोई स्क्रैच लगने का यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, आप अपने मीटर कंसोल पर ये लेमिनेशन ना करवाएं, और अगर आपने करवा लिया तो उसको तुरंत हटा दें। और अगर ये गम छोड़ रहा है ऐसा, तो उसको आप पेट्रोल या फिर सैनिटाइज़र से हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसी रेगुलर वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आई है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन पर एक्टिवा 6G है, या फिर जिनके पास कोई भी गाड़ी है, अगर उन्होंने लेमिनेट करवा रखा है, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अभी मैं इसको आपको हटा के भी दिखाता हूँ।